शादी कहां करनी चाहिए, पद्म पुराण में लिखा है। लड़की के लिए योग्य वर चाहिए। कैसा चाहिए? योग्य वर। लड़की गोरी है, लड़की का रंग साफ है, तो लड़का भी वैसा ही हो, मिलता जुलता गोरा ही हो। अब ये नहीं कि लड़की बहुत गोरी है सुंदर और लड़का ले आए कोयला, हाँ ऐसी जोड़ी नहीं बनानी चाहिए। माँ बाप निर्णय, अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान के घर से बनके आती है। भाई साहब बनके तो आती है भगवान के घर से, सही है, पर फिर भी तो भगवान ने माता पिता को जिम्मेदारी दी है कि नहीं, कि तुम लड़का ढूंढना, तुम लड़की ढूंढना, तो ढूंढो तो अच्छा, फिर भाग्य में जो होगा तो आखिरी में मिलेगा ही मिलेगा। लड़का, पद्म पुराण में लिखा है, जो माँ बाप लड़की के प्रतिकूल विवाह कर देते हैं उन माँ बाप को पाप लगता है। लड़की सुंदर है तो लड़का भी थोड़ा सुंदर लाओ, लड़का सुंदर है तो लड़की भी थोड़ी सुंदर लाओ, लड़की सांवली है तो लड़का भी सांवला चलेगा, लड़का गोरा है, लड़का बहुत सुंदर है तो लड़की भी अच्छी लाओ, जोड़ी अच्छी हो, खड़े हो तो अच्छा लगे, क्योंकि हर जोड़ी में राम सीता का दर्शन होना चाहिए। ये राम जी हैं, ये सीता जी, हर जोड़ी में राधा और कृष्ण का दर्शन होना चाहिए, है ना। इसलिए जोड़ी अनुकूल हो, ऐसा हम नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं लड़की का विवाह वहां करना, ज्यादा बड़े आदमी के घर लड़की का विवाह ना कर देना। शास्त्र ये भी कहते हैं विवाह बराबर बालों के संग करना चाहिए। मेरी छोटी सी झोपड़ी है तो छोटी सी झोपड़ी जैसा घर मेरा है वैसा ही घर बेटी के लिए ढूंढो, ज्यादा सोने के महल ना ढूंढ लेना, नहीं तो आपकी बेटी वहां जाएगी तो वो लोग ताने मारेंगे। तेने बाप के राज में देखा है कभी, गरीब बाप की बेटी बड़े घर में चली जाती है ना, तो बड़े लोग ताना जरूर मारते हैं, तुमने बाप के घर में देखा है। इसलिए साहब बड़े लोगों से, बराबर वालों से समझौता संबंध करो, ताकि ये ताना सुनने को ना मिले कि तुमने बाप की राज में, भाई बराबर वाले से करोगे तो वो ये ताना मारेगा नहीं, क्योंकि जो तू खाता है वही हम खा के आए हैं, हाँ जहां तू सोता है हम भी वही सो के आए हैं, तेरे भी बिस्तर ऐसे ही है, हमारे भी बिस्तर ऐसे ही है, जो कंबल तू ओढ़ता है वही कंबल हम ओढ़ लेते हैं, हाँ भाई हम लोग तो बोर का पानी, जो जमीन से पानी निकलता है वो पानी पी लेते हैं, पर आपके घर में तो पानी फिल्टर करने की मशीन लगी है, तो फिर कहेंगे तेने बाप की राज में पिया है ऐसा पानी, तो भैया वही पानी, वही शादी कर लो जहां फिल्टर मशीन ना लगी हो। मतलब शास्त्र कहते हैं बराबर लेवल हो, थोड़ा सा 19-20 चलता लड़की का घर वर और अच्छा हो आपसे और अच्छी बात है, थोड़ा डाउन भी चलेगा। और फिर तीसरा निर्णय है कि लड़की, यदि लड़का बहुत अच्छा है और उसके पास कुछ भी नहीं है दौलत और लड़का योग्य है, तो भी लड़की का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि लड़का योग्य है तो कल को कमा के बहुत सारा इकट्ठा कर लेगा। और अयोग्य के घर में यदि बहुत सारी दौलत है और यदि अयोग्य के घर लड़की का विवाह कर दिया तो शराब पी पी के सारा उड़ा देगा, आपकी बेटी को भी मारेगा, कल को रोएगी बेटी, तो जरा शादी के पहले भी माता पिता को विचार कर लेना चाहिए। और आजकल तो शादी के पहले मेडिकल टेस्ट जरूर कराना चाहिए, मेडिकल जरूर कराना चाहिए आज के जमाने में, बहुत सारी बीमारियां गुप्त में होती हैं, पता नहीं चलती, बाद में पता चलती है कि कैंसर है, ये है और फलाना और ढिमका है, तो जरा 5-10 हजार रुपए खर्च करके चेकअप कराओ। लड़की के जीवन का सवाल है, बड़े निर्णय है भाई, उस जमाने में साधन नहीं था, अब तो साधन है, मेडिकल कराओ शादी करने के पहले, लड़की का जीवन ना बिगड़े, नहीं बहुत सारे केस ऐसे होते हैं। इसलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे शास्त्र सावधान कर रहे हैं, अब कोई माने ना तो हम क्या करें,
शास्त्रों में लिखा है शादी कहां करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए। लालची लोगों के घर लड़की नहीं देना चाहिए, जो दहेज की ज्यादा से ज्यादा डिमांड करे ऐसे लालची लोगों को लड़की नहीं देना चाहिए। अनुकूल हो, लड़का व्यवहार कुशल हो, लड़की व्यवहार कुशल हो, दोनों व्यवहार कुशल हो और दोनों एक दूसरे से प्रेम करें, इसलिए लड़का लड़की को बात भी करा देना चाहिए, भाई तुम दोनों मिल लो, बातचीत कर लो, पसंद है कि नहीं बता दो, आज के जमाने में ये जरूरी है। नहीं बाद में कल को बेटी कहे हमें तो पसंद नहीं था, मम्मी ने जबरदस्ती करा दिया, तो तुम्हारे माथे पे आएगी बात। इसलिए भैया दिखा दो, उन दोनों से बात करा दो, देख लो, सुन लो, समझ लो, तुम्हारा निर्णय है, कहोगी तो कराएंगे, नहीं कहोगी तो नहीं कराएंगे, जरूरी है, कहीं संदेह किसी के मन में ना रह जाए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कोई भी काम करो विचार से करो। मैं बार बार विचार शब्द का उपयोग कर रहा हूं आज, इसलिए विचार शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि विचार हर जगह होता है। शादी के पहले विचार करो, जमीन जायदाद खरीदने के पहले विचार करो, सही है कि गलत है, ये सही है कि वो गलत है, सब में विचार होना चाहिए, विचार विमर्श।